हेलो, नमस्कार दोस्तों। शिल्पी किचन में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और इस मौसम में हम पूड़ी या कचौड़ी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। और जो हम कचौड़ी या पूड़ी बनाते हैं, वो ज्यादातर हम आटे या मैदे से बनाते हैं। तो आज मैं आपके साथ में आटे या मैदे की पूड़ी की रेसिपी ना शेयर करके, बल्कि रागी के आटे से बनी हुई कचौड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि रागी के आटे में बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं और ये कैल्शियम और पोटेशियम में भी बहुत ज्यादा रिच होता है, जिसकी वजह से ये आटा बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं रागी की कचौड़ी। इसके लिए सबसे पहले हम 1 कप रागी का आटा ले लेंगे। अब यहाँ मैंने इसमें आधा कप आटा ले लिया है। आप चाहें तो आटे को अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम आधा कप फ्रेश पुदीना डालेंगे, ताजे पुदीने की पत्तियां डालेंगे। आप चाहें तो धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1 छोटी चम्मच हम नमक डाल देंगे और इसके साथ यहाँ मैंने आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। आप चाहें तो हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। और अब इसके साथ हम यहाँ पे आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे। और अब यहाँ पे 2 बड़े चम्मच घी डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करके एक सॉफ्ट सा आटा बनाना है। ये याद रखना है कि आटा बहुत सॉफ्ट, बहुत ज्यादा कड़ा नहीं बनाना है, टाइट नहीं बनाना, सॉफ्ट बनाना है, नहीं तो कचौड़ी बेलते वक्त आपकी पूड़ियां जो हैं वो टूटने लग जाएंगी बीच में से। ये देखिए, मैंने आटा यहाँ बना लिया है और अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए अलग से छोड़ देंगे, रख देंगे। और अब यहाँ पूड़ियाँ बेल ली हैं मैंने और अब कढ़ाई में मैं घी ले लूंगी। आप चाहें तो इसकी जगह पे रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और अब यहाँ पूड़ियाँ डाल के, कचौड़ी डाल के इन्हें तलना है। ये रागी की कचौड़ियाँ हैं इसलिए इतनी ज़्यादा फूलेंगी नहीं, लेकिन खाने में ये आटे या मैदे की कचौड़ी की तरह ही टेस्टी लगेंगी। ये देखिए, कचौड़ियाँ यहाँ बन के तैयार हो गई हैं। आप चाहें तो इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसको आलू की सब्जी और रायते के साथ में सर्व किया है। आप चाहें तो अपनी कोई भी मनपसंद सब्जी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।